नमस्कार दोस्तों, मैं आपके पास फिर एक बार आया हूँ और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आज हम बैतूल घूमने वाले हैं और बैतूल घूमने का यही कारण रहेगा कि हम ऐसे छोटी मोटी जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि विलुप्त क्रांतिकारी जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बैतूल में जानेंगे कि कौन लोग उन्हें जानते हैं और कौन वो क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने अपने अपने एरिया के लिए जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी जैसे लोगों के साथ लड़ाई करी, लेकिन आज भी हमारे बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के क्रांतिकारी विलुप्त है। बैतूल के भी कुछ ऐसे क्रांतिकारी हैं जो विलुप्त हैं, उन्हें हम बहुत जल्द जागरूक करेंगे और उनका नाम सामने लाएंगे कौन कौन है। तो अभी हमारा टॉपिक तो रामजीभाई कोरकू है, तो उनके ऊपर ही बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो व्यक्ति कौन है और उनके बारे में लोग कितना जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे उनके साथ, वो जानते हैं नहीं जानते हैं। तो गाइस, हम बैतूल के भ्रमण पे निकल चुके हैं रामजीभाई कोरकू की जानकारी लेने। अभी हम गंज से कुछ पार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गंज से पार होने जा रहे हैं और इसी के साथ मिलते रहे और सारी दूर जानकारी लेंगे कि रामजीभाई कोरकू कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं इसी अभियान के जरिए बैंक में आया था और बैंक में हमारे बाबू मिले हैं। ये इन्हें भी अभी नहीं पता कि रामजीभाई कोरकू कौन है। असल में बता दें कि ये बाबू बैंक में काम करते हैं, पीयून पदरस्त है और इनको 18,000 सैलरी, पीएफ कट के 12,000 समथिंग कुछ मिलती है, 15,000। तो इन्हें भी नहीं पता ये भीमपुर भैंसदेही ब्लॉक के ही है और इन्हें बारसकर सरनेम के है। अरे बाबू को ही नहीं पता, तो ये ऐसे हमारे शिक्षित लोग आगे नहीं आते हैं और हमें साथ नहीं देते। तो ये आप जान सकते हैं, ये हमारे मित्र हैं। तो दोस्तों, रामजीभाई कोरकू के बारे में और जानकारी लेंगे हम आपको। भैया, रामजीभाई कोरकू कौन थे पता है क्या आपको? तो अभी ये रामजीभाई कोरकू भैंसदेही कॉलेज का नाम ट्राइबल्स किस में रखने का चल रहा है हम लोगों का, तो आपका क्या सहमत है इसमें कि रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? क्रांतिकारी थे वो तो बिल्कुल रखना चाहिए, जिस एरिया के थे वो तो है ना। थैंक यू। नमस्कार भैया, क्या नाम आपका? सम्राट सिंह। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये रामजीभाई कोरकू जो अभियान चल रहा है, क्या आप जानते हैं रामजीभाई कोरकू कौन है? ये कौन है आपको नहीं पता? बिल्कुल भी नहीं पता। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जंगल सत्याग्रह और बैतूल के जो बड़े बड़े आंदोलन हुए थे अंग्रेज के जमानों पर, इसमें महात्मा गांधी का सहयोग देने वाला जो भैंसदेही ब्लॉक से मालेगांव के ग्राम से निवासरत है रामजीभाई कोरकू, जिन्होंने एक बहुत बड़े क्रांतिकारी है वो थे रामजीभाई कोरकू, जिनका अभी अभियान चला है कि भैंसदेही कॉलेज का नाम मतलब रामजीभाई कोरकू रखा जाए। क्या ये सही है गलत आप कुछ बता पाऊंगी इस बारे में? क्या मैं कुछ कह नहीं सकता कि इस बारे का इस चीज का इतिहास जो है मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं है। अच्छा, पढ़ा नहीं है, पता नहीं है, तो हम कह नहीं सकते। चलो बढ़िया, उनसे पता है आपको? नहीं पता, सुना ही नहीं पहले। रामजीभाई कोरकू कौन थे नहीं सुना? आंटी जी, रामजीभाई कोरकू एक क्रांतिकारी योद्धा थे जो भैंसदेही ब्लॉक के थे जो अभी गुमनाम है, तो उनके ऊपर अपन काम कर रहे हैं भैंसदेही कॉलेज का नामकरण करने के ऊपर कि रामजीभाई कोरकू कॉलेज का नाम रखा जाए। तो अभी हम सिर्फ यही पता कर रहे हैं कि उन्हें कोई जानते या नहीं जानते, तो ये बात हम प्रस्तुत करेंगे कि इतने बड़े क्रांतिकारी जिनको तामपत्र से सम्मानित किया गया देश के अवार्ड से, उनको आज कोई नहीं जानता है, तो इसके विषय में हम आपसे जानकारी लेते, बाकी कुछ नहीं है। नहीं जानते लेकिन आप बहुत जल्द जानेंगे। थैंक यू। भैया, आपका नाम क्या है, क्या करते हो आप? तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या आपको पता है कि रामजीभाई कोरकू कौन है जो अभी अभियान चल रहा है? इनके बारे में नहीं पता? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक क्रांतिकारी, आदिवासी क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं जिन्हें कि प्रधानमंत्री द्वारा तामपत्र से सम्मानित किया है, लेकिन ये पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। जो अभी 75वां अमृत उत्सव जो चल रहा है, इसमें माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो क्रांतिकारी, जो ऐसे लोग छूट गए हैं उनके नामकरण को लेकर आगे आएंगे, लेकिन हमारे भैंसदेही कॉलेज में अभी कुछ कारणवश इसका नामकरण नहीं हो पा रहा है। ये रामजीभाई कोरकू अभियान चलाया जा रहा है। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? क्या आपको पता है रामजीभाई कोरकू कौन है? इस बारे में जानता? कुछ भी नहीं जानता। थैंक यू सो मच। भैया, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश योने। कहाँ से हो? आठनेर से हो। तो क्या आपको पता है रामजीभाई कोरकू कौन है? नहीं पता आपको? क्या पता है कि रामजीभाई कोरकू कौन है, पता है क्या आपको? नहीं पता। इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आपको बता देना चाहता कि बैतूल के क्रांतिकारियों में से एक हमारे बीच में जो कि मालेगांव भैंसदेही ब्लॉक से रहते थे, उनका नाम रामजीभाई कोरकू, जिन्हें महात्मा गांधी के साथ बहुत बड़े बड़े आंदोलन में साथ दिए, वो रामजीभाई कोरकू। थैंक यू सो मच। आपको क्या पता है रामजीभाई कोरकू कौन है? नहीं पता।
तो दोस्तों ये रहा था बैतूल का रिएक्शन। आपको बता दें कि जो क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के साथ काम किया और देश को आज़ाद कराने में जिनका सहयोग भरपूर्ण रूप से रहा, उनके बारे में लोगों को आज भी नहीं पता। उनको अस्तित्व में लाने के लिए हमने एक अभियान चलाया है और जिस अभियान के तहत हम चाहते हैं कि उनका नामकरण जल्दी से जल्द हो और आपका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि आपके क्रांतिकारी योद्धाओं को लोग कितने परसेंट जानते हैं। इससे हमें पता चला कि लोग उन्हें नहीं जानते, तो उन्हें जानने के लिए और उनको अस्तित्व में रखने के लिए हमें ये कार्य बहुत ही सोच समझ कर और बहुत जल्द करना पड़ेगा कि हाँ कि किसी क्रांतिकारी योद्धा जो कि आदिवासी ट्राइबल से बिलोंग करता था, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ अपने प्राण को न्यौछार किए, उन लोगों के साथ रहकर उन लोगों का नाम हमें अस्तित्व में लाना होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जय जवाहर, जय हिंद।